जिससे मुझे बेहद जलन हो रही है, क्या किया जाए। और इसी तरफ रामू अपने कमरे में आराम से लेटा हुआ, छत टूटी हुई है, पंखे भी नहीं है, ज़मीन पर लेटे हुए हैं, पलंग भी नहीं है, चारों बच्चे एक दूसरे के ऊपर लपेट कर आराम से सो रहे हैं। सुकून भरी नींद के बाद दूसरे दिन जब रामू काम में सेठ जी के पास काम करने जब गया, तो सेठ जी ने उसे बुलाया और कहा कि अब मैं तुम्हारी पोस्ट बढ़ा रहा हूँ, तुम्हें अब नॉर्मल चाकर से मैं मैनेजिंग के पोस्ट में डाल रहा हूँ, जहाँ पे आपको पैसों का रिकॉर्ड रखना है, पैसों को काउंट करके गड्डियाँ बनानी है, बंडल्स, और उसे तिजोरियों में रखवानी है, और ये सब का हिसाब किताब तुम्हें रखना है। इस पूरे ज़माने में अगर मुझे कोई ईमानदार दिखा तो वो मुझे तुम दिखे। रामू को पहली बार यकीन हुआ कि ईमानदार होने का सबसे बड़ा फल यही होता है कि उसकी नौकरी में वृद्धि होती है। पर रामू को ये नहीं पता कि सेठ जी ने ये बड़े चालाकी से कुछ परीक्षण करने के लिए रामू को ये वाली काम दी थी। अब रामू बड़ा खुश है, रामू को पहली तनख्वाह मिलती है, 1000 रुपये लेकर वो घर आते हैं, सारे बच्चों के लिए कपड़े, बीवी के लिए साड़ियाँ, खाने की चीज़ें, सभी चीज़ें लेकर रामू घर आता है। पहली बार रामू खुशी के मारे सो नहीं पाता, तो उसकी बीवी कहती है कि तुम तो अक्सर सो जाया करते हो मेहनत करके। बोला, नहीं भाग्यवान, हमारी किस्मत खुलने वाली है। देखो, जब गरीब के पास नौकरी होती है ना, तो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसको पता है इन पैसों की अहमियत क्या होती है उसकी ज़िंदगी में। उसे पता है कि वो अच्छी ज़िंदगी दे सकता है सामने वाले को। 4 बच्चों को पालना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल का काम होता है। तो रामू बड़े ही प्रसन्नता के साथ सो जाता है। दूसरे दिन जब रामू काम करने के लिए निकल जाता है, तो सबसे पहला उसे जब पैसों से लदी हुई एक गड्डियों को बनाकर जब वो तिजोरियों में रख रहा होता है, हिसाब कर रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि हे भगवान, आपने तो मुझे इतने सारे पैसे देखने का मौका दे दिया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में 1,00,000 रुपये मैं काउंट करके ऐसे बंडल बना के रखूँगा, तो बहुत खुश हो जाता है। उस दिन भी उसको तनख्वाह मिलती है, वो घर आता है और वो अपनी बीवी को दे देता है। बीवी ज़रूरत का सारा महीने का जितना भी राशन वगैरह है सब ले लेती है और कुछ पैसे रख देती है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन काम बराबर चल रहा होता है। एक दिन रामू घर आते वक्त रामू के एक दोस्त, बहुत सारे दोस्त होते हैं, तो एक दोस्त ने कहा कि सुनो ना रामू, तुमसे बहुत दिनों से कुछ पूछना था। तो रामू कहते हैं कि पूछिए। रामू कहता है कि हाँ ना, पूछो ना, क्या पूछना है। तो रामू के दोस्त ने कहा कि बहुत दिन से देख रहा हूँ, तुम बहुत अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हो, जल्दी घर आ रहे हो, चीज़ें खरीद कर ला रहे हो, लॉटरी लगी है या कुछ हुआ है। तो रामू जो सच बोलता है अक्सर सच बोलता है, तो उसने कह दिया जो भी सच था। ये सुनने के बाद उसके दोस्त ने उससे कहा कि जब तुम्हारा सेठ तुम पर नज़र नहीं रखता, तुम आराम से पैसे हटा भी तो सकते हो। अगर 2-3 पैसे तुम ऐसे ही गायब करते रहे और हिसाब किताब पे तुम बराबर करते रहे, तो तुम्हारे घर परिवार वालों के लिए अच्छा होगा। सबसे पहली बार राजू की बातें सुनकर रामू के दिमाग में कुछ खटका। तो रामू ने कहा कि राजू ऐसी बातें मत कर, तू घर चला जा, मुझे भी घर जाने दे। उस दिन रामू पूरी रात जागकर बस सोचता रहा कि राजू ने तो बराबर कहा, राजू तो मेरा दोस्त है, वो तो हमेशा मेरा भला चाहता है, वो तो मेरे बारे में हमेशा अच्छा ही बोलेगा, क्या करूँ, चोरी करूँ कि ईमानदारी करूँ। ये सोचते हुए वो दूसरे दिन नौकरी पे जाता है। सेठ जी उस दिन बहुत बिजी होते हैं और थोड़ा भी रामू पर ध्यान नहीं देते। तो इसी बीच रामू ने 1000 रुपये के कुछ नोट्स हटाए हर बंडलों में से, अब उसे गड्डिया बनाकर रख दी। रामू जब घर आया, पैसों को उसने तिजोरी में रखी, पूरी रात सो नहीं पाया। उस दिन उसने अपने बच्चों के साथ अच्छे से बात नहीं किया, बीवी से भी बात नहीं की अच्छे तरीके से, बड़े ही रूड तरीके से बात की। खाना दे दो, तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं काम करके आता हूँ, थक जाता हूँ, ये करता हूँ,
बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए रामू ने। उस रात सबका मन उदास हो गया। कुछ दिनों तक ये चलता रहा सिलसिला। जब महीने के आखिर में तनख्वाह देने की बारी आई तो रामू को सेठ जी ने बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और सेठ जी ने कहा कि रामू, तुम्हारी मैं तनख्वाह बढ़ाने की सोच रहा था, पर तुमने जो हिसाब किताब लगाया है ना, उसमें 1,00,000 रुपए का फर्क आ रहा है रामू। तुम तो ईमानदार हो, चोरी तो तुम करोगे नहीं, तो पैसे गायब किसने किए? रामू बहुत ज़्यादा चकित हो जाता है, रात रात भर सो नहीं पाता। तो रामू से सेठ जी की तरफ रामू सर नीचे करके बैठा रहता है। सेठ जी कहते हैं कि तुम्हारे आंखों के नीचे ये डार्क सर्कल कैसे हो गए? तुम तो खुश रहते हो, तुम तो ऐसे चहचहाते रहते हो, आज अचानक क्या हो गया? आज इतने उदास क्यों खड़े हो? आज इतने ऐसे अजीब तरीके से क्यों बैठे हो? क्या हो गया है, क्या हो गया है? तो रामू कहता है कि कुछ दिनों से ना मुझे नींद अच्छे से नहीं आ रही है, मुझे पता नहीं क्या हो गया है, पर मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो 1,00,000 रुपये आप बोल रहे गायब है, वो मैंने चुराए हैं। मैं रोज़ चोरी करता था, मैं 1,000-1,000 रुपए करके हटा के रखता था, और यूं ही करते करते मैंने 1,00,000 रुपए कब हटा लिए मुझे पता भी नहीं चला। मैं वो सारा पैसा आपको लौटा दूंगा, क्योंकि मैंने उसका 1 पाई भी खर्चा नहीं किया है। सेठ जी बड़ा हंसते हैं कि अरे रामू, मैं तो यही चाहता था। तो रामू शॉक हो जाते, सेठ जी को कहते क्या? बोलते हाँ, मैं तो यही चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी से जलता था, इसीलिए मैंने तुम्हें पैसों की नौकरी दी। तुम पैसों की नौकरी में इतना पैसा देखे कि मन में जो लालसा जगी, जिस कारण तुम में जो ये कामनावश आया और तुमने जो ये कर्म किया, यही तो मैं चाहता था कि तुम में ये परिवर्तन हो, ताकि तुम घर जाकर सो नहीं पाओ, व्यथित हो जाओ, हमेशा दिमाग पर रहे पैसों का कुछ हो गया, पैसा है ना, पैसा है ना, बार बार तिजोरी में जाकर चेक करना, पैसा है ना, पैसा है ना, कहीं गया तो नहीं, बच्चों के साथ अच्छे से नहीं रहना, ये नहीं। मैं तो यही चाहता था। ये कहकर सेठ जी हंसने लगते हैं।